बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. वी विल स्टार्ट विद एनालॉजी ओवर वर्बल सिनेरियोस, देन वी विल गो टुवर्ड नॉन वर्बल सिनेरियोस. फाइन, क्लियर, गुड. नाउ व्हाट ऑल टाइप्स ऑफ वर्बल सिनेरियोस एनालॉजी एग्जिस्ट. ओके, सी रीजनिंग, द ब्यूटी विथ रीजनिंग और एप्टीट्यूड क्वेश्चन इज देयर इज नो कंस्ट्रेंट फॉर इट, राइट और नॉट. Anywhere where brain can be applied, that is everywhere, the question can be faced from there. Sure, fine, cool. Now when we talk about the types of question, so the types of question can be, they can relate numbers to numbers. They can relate with numbers to codes. They can relate numbers to letters and words. Right? So, in the same way, the primary appearance in the analogy case is from the terminologies. Biology, zoology, botany. So you have to be aware about ki haan bhai aisa kuch hota hai, right or not? Clear? Sure. What do you call the studies of the history about existence of world? See, in English, archaeology nahi. आर्कियोलॉजी तो कबाड़ वाले को बोलते हैं बेटा, जो लोहा पुराना कबाड़ी ले, वो आर्कियोलॉजिस्ट होता है, राइट? सर उनको भी नहीं पता होगा कि वो आर्कियोलॉजिस्ट उसको बोलना अभी कल परसों जब घर के बाहर आवाज आएगी तो मम्मी को बताना, मम्मी आर्कियोलॉजिस्ट आया है. नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन, जस्ट ओके फॉर गिगल्स सेक. ऑर्निथोलॉजी, बढ़िया, ये तो भारी वर्कम वर्ड है भैया, ये क्या है? राजस्वा, कैन यू एक्सप्लेन दिस वर्ड ऑर्निथोलॉजी? सर इट इज टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ बर्ड्स. इट इज टर्म यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ वर्ड. व्हाट काइंड ऑफ स्टडी? स्टडी रिलेटेड टू साउंड, स्टडी रिलेटेड टू फोनेटिक्स, स्टडी रिलेटेड टू देयर ओरिजिन. Yes, sir. Study, sir. Their feathers and sir, their sir structure, sir structure and shape. अच्छा, तो फिर बेटा ये चिड़िया पक्षियों की study को क्या बोलते हैं? सर मैंने तो यही term सुना था. हाँ, यही यही पर हम लोग differences create करेंगे. ठीक है, द ओनली थिंग विच मेक्स दिस 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 सेक्शन ओके इज एक दो क्वेश्चन विच विल कम फ्रॉम दीज थिंग्स लाइक ओके, जहां अपने को समझ में नहीं आएगा कौन सी इंग्लिश है भाई, एपिटोमोलॉजी बोलते हैं उसको. ओके, यस और नो? ये क्या हो गया? अरे यार ये सो जाता है ना मेरा दोस्त, बहुत इसका टाइम मैंने बढ़ाया था. चलो कोई बात, कोई बात, कोई भी बात नहीं. ओके, श्योर. Visible guys, sorry, मैं इसका time time बढ़ा दे रहा हूँ, बस और कुछ नहीं. Good, done. We have 97 participants now, तो attendance लेने की स्थिति में पहुंच रहे हैं हम लोग धीरे धीरे. Okay. Why are you guys late? मतलब जागते नहीं हो और what? Hmm?
सर द टाइमिंग इज वेरी अर्ली हां तो क्या करे रात को कर दे ये सर रात को फिर भी बन जाएगा सब अभी एक ईमानदारी से बात बताओ ओके इन द एरा व्हेन स्कूल यूज्ड टू वर्क तो कितने बजे स्कूल जाते थे बेटा 6 बजे बाय 10 में छह बजे दो घंटे लेट पढ़ा रहे हैं यार तुमको उसमें तकलीफ हो रही है सर तो एक साल लॉकडाउन भी तो रहा हाँ तो एक यस सर वाह 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 8 साल की आदत 1 साल में छोड़ दी सर तो 1 साल कंटिन्यूअस आदत बन गई थी ना हाँ क्या बन गई थी आदत सर अभी लास्ट मंथ में 1 घंटे पहले उठना से थोड़ा मैनेज नहीं हो हाँ तो मैनेज करो भाई फिर आदत लाओ और क्या अभी स्कूल खुल जाएंगे यस सर एक आध दो महीना होगा तो आदत अपने बन जाएगी एक महीने में आदत नहीं लगती भाई 11 से 21 दिन डिपेंडिंग ऑन पीपल इफ यू डू थिंग्स कंटिन्यूअसली फॉर 11 डेज यू कैन गेट एन हैबिट और मैक्स टू मेक्स 21 डेज कोई भी आदत लगती है छोड़ी जा सकती है इन अ मैक्सिमम बैंडविड्थ ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन 21 डेज हाँ श्योरली 21 डेज तक आप तपस्या नहीं कर रहे हो कि बस 21 दिन हो जाए जैसे मैं ठीक है मैंने पिज्जा खाना छोड़ दिया बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दिया पिज्जा खाना और बाहर का पैक्ड फूड खाना पैक्ड फूड यानी चिप्स राइट या टोमेटो केचप या ऐसी चीजें जो बाहर यानी जिनमें स्टोरेज राइट प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं वो सब मैंने खाना छोड़ दिया 21 दिन लगे मम्मी पापा आए हुए थे बढ़िया सब इससे अच्छा टाइम मिल ही नहीं सकता सबसे ज्यादा अच्छे से हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन रहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स राइट ये तुम लोग थोड़ा लेटली थोड़े दिन बाद रियलाइज करोगे इस चीज को बट सच में ये सच बात यही है ठीक है सो मैंने छोड़ दी 21 दिन में छूट गई आदत ठीक है बाहर खाने की बहुत आदत थी छोड़ दी सो तुम लोगों की तो अभी सारी अच्छी आदतें ही है ओके एंड कीप देम कंटिन्यू अच्छे डू नॉट एवर लीव अ गुड हैबिट ओके अगर आपके पास कोई एक अच्छी आदत है तो उसके लिए आप टाइम निकालते रहो टाइम की कमी भी आए Do not negotiate any good habit for anything. Clear? अच्छी आदतों के साथ कभी समझौता नहीं करना अच्छी आदत है तो है Clear? Fine. आगे बढ़ेंगे So here the only thing which will be generating a twist is the terminology. Terminology आ जाएगी तो we'll have to be very careful and that is where the practice is about. Clear? Sure. इन जनरल होता क्या है कि कोई भावुक हो रहा है तो मैं उसको थोड़ा समझा देता हूँ कि भैया पहले मेरे को सिस्टम से व्हाट्सएप ही हटा देता हूँ ठीक है तो ये टुडुंग टुडुंग बचेगा नहीं माय मिस्टेक एक्चुअली अब वापस सर 100 हो गए 100 हो गए 100 देखो 99 हो गए राइट और नॉट सो द टर्मिनोलॉजी पॉइंट 1 इज टर्मिनोलॉजी क्लियर फाइन पॉइंट 2 एज आई वाज टॉकिंग अबाउट Okay, is from words to artificial words. What do we mean by artificial words? Like, बिल्कुल simple है बेटा. किसी ने लिखना है zoo. तो उसने लिख दिया a. क्या सुनो? Clear? Q. Clear? आर क्या आपको तरीका समझ में आया तो पेट विल बी रिटन एज तो आपने तरीका खोजा कैसे किया दिस इज मूविंग टू वन शिफ्ट दिस इज मूविंग टू टू शिफ्ट राइट और नॉट क्लियर ओके एंड दिस इज मूविंग Right or not? So P will move to one shift. F G T U V W. Yes or no? Right? You will have to see this. Anyone cannot make you remember. On spot, you will have to apply the logic. Got it? Sure. Then relation between two entities. Relation between two entities like. भाई पेन स्टैंड में पेन को रखते हैं यस और नो
ये सुनो, देख रहे हो मेरे ड्राइंग भाई। सो साइकिल स्टैंड में क्या रखते हैं? बाइसिकल रखते हैं, राइट ना? राइट। सो दिस पार्ट विल हैव द यूटिलिटी ऑफ, विल हैव द क्या मैं म्यूट कर दे रहा हूँ खुद ही फोर्स से। ओके गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, चलो नो प्रॉब्लम। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इज पॉइंट वन, दैट दुनियादारी का ज्ञान इज रिक्वायर्ड। ओके श्योर, स्लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ लैंग्वेज, स्लाइट रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रीजनिंग। You have grown up enough to relate that pen stand में हम लोग shoe brush नहीं रखते हैं, right or not? कितने लोगों के study table पे shoe brush या socks होते हैं? Is there anyone? No one, right? So good, 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 good. Do not generate a habit. Right, lately you will find yourself when you will move to 11th and 12th that dheere dheere safai kam rakhne ki aadat ho rahi hai. Do not indulge that habit. Okay, safai rakhiye. So there is a statement, I was roaming around the valleys of a very nice estate in Kerala called as Munnar. Okay, very nice state, bahut safai thi wahan par, and everywhere, okay, it was stated that cleanliness is not a project, rather a practice. Very beautiful line, right? Sure. Fine. So, duniyadari ka knowledge is required. That's what you might have understood by the time we have spent on this. That a lot of duniyadari ka knowledge will be required. Fine. May God bless us that we get a question which is only based on our what we call it as reasoning capabilities, not on the bandwidth of our vocabulary knowledge. But if we get, we are trying to practice enough. Okay. Also, the options will be helpful at that front. Okay. So, can we hit on questions? Yes or no? फाइन, पीपीटी खोल लूं मैं, फिर वही पोथी खोल लेते हैं अपनी, राइट और नॉट, और करते हैं क्वेश्चन झमाझम एकदम। ये हो गया, ये हो गया, ये आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है ये, ठीक है, जो बाहर से आवाज आ रही है। Now, insert PDF. Badhiya. Visible guys? Yes. बढ़िया, अभी 106 लोग हो गए, I'll just take an attendance. बस मुझे 5-7 सेकंड दो।
Okay, thank you. Sure. So, yes, Shubhangi, what happened? I am healthy and alive. Chinta ki koi baat nahi hai. Achha, answer bhi de diya. Oh, delta. Bus. C is related to ship in the same way as road is related to bus. Sahi hai. Yes or no? No rocket science. Badiya. Everyone, good. Good, good. Next. Metal is related to conduction of heat and electricity in the same way as plastic is related to, again, insulation is the word. Ab bhai, agar insulation word hi nahi aayega, then it's going to be a difficult one, right or not? Yes. Yeah. Good, good. Very good. Next. Kathak is related to UP in the same way. Arey yaar, ye to dekho. Ab इस तरीके से द ऑप्शन हेल्प्ड अस. नहीं पता होता किसी को भी तो रीजनिंग तो है, राइट और नॉट? सो गाइस, सी, ऑप्शंस आर एनीवे गोइंग टू हेल्प यू. दे आर देयर टू हेल्प यू. एट टाइम्स दे माइट कंफ्यूज यू इन अदर टॉपिक्स, बट एटलीस्ट नॉट एन एनालॉजी. यू हैव टू फाइंड सिमिलैरिटीज. सिंपल है. एंड द क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन डिफरेंट फॉर्मेट. लाइक हियर दे आर आस्किंग डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस कि भाई ये बता, ये बता, ये बता. ओके, सो फाइन. नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में चालू हो गया. मेल्ट होकर लिक्विड बनता है तो फ्रीज होकर, गलत हो गया चार्ली, सॉलिड बनेगा. ओके, अगर लिखा होता मेल्ट होकर वाटर बनता है तो फ्रीज होकर आइस बनता, बट लिखा हुआ मेल्ट होकर लिक्विड तो सॉलिड बनेगा. गॉट इट? जल्दी आंसर नहीं देना है, पढ़ना है. मैंने देखा फ्यू पीपल हैव रिस्पोंडेड विद आइस. ओके, सो जल्दी आंसर नहीं देना है. क्लियर? ये कौन सा वर्ड है? ये लैंग्वेज है. वो क्या? कोडिंग. ओके, बढ़िया. नेक्स्ट. अल्फा. गुड. क्या क्या हो रहा है? सो सी, राइट और नॉट? एम बन रहा है एनओ, ए बी सी एस टी यू. यस और नो? क्लियर? इन द सेम वे एल बन जाएगा. क्लियर और नॉट? सो आपको दो डिजिट की जाना है. एल बनेगा एम एन, ए बनेगा बी सी, एन सी इज अल्फा, राइट? सो Now suppose बेटा बहुत सारे NCs होते, so what you do, you, when you look at the option ना, you find a position which is different, clear? And calculate that directly, easy, so that you will save. So can you explain again? Again बेटा देख, हमने देखा M is becoming O, M N O. A is becoming. So, sir, there should be a gap of one alphabet. Yeah, we found that. We understood it, right or not? Okay, sir. So, it's a compulsion that in every question, this sequence will followed. No. Every question, see, that's what. See, above were the question which were directly related to knowledge. No checking of coding was being done. Now, in this question, they are also checking your coding skills. Right? Coding in the sense, retracking the artificial language, right or not? Clear? This OCUVGT is an artificial word. You found out the logic behind that artificial word, and hence you can give a word for labor as well. Okay? Sure. Instead of the displacement of one, there could have been a displacement of five as well. Yeah, there could have been a displacement of, as I stated, reverse. Why? If master is rated as this, then what will be labor stated as? So you know how to write it, right or not? Clear? So they can make any artificial word. You have to track the code, the pattern, the trend
or the logic behind the creation of the word and accordingly select one from option. Got it? Sir? Yes, bachche? Sir, can you again explain how labor is written as R-U-U-B-A-L? बस देख बेटा जैसे मास्टर को ऐसे लिखा हुआ है ना तो वैसे लेबर को उल्टा करके लिख दिया गॉट इट सो जाओ सिरी सो जाओ यस सो जाओ बेटा सो जाओ स्लीप सर लाइक इन द मास्टर एम एंड ओ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वन सो We have to just look at the first words, first letter. So then we can just follow that sequence only. Yeah, suppose that whole question. Coincidentally, क्या होता? That ये N होता, ये O होता, ये P होता, ये Q होता. तो time पूरा बच जाता, मैं सीधे alpha को ही select करता, right or not? Yep. Yes, sir. Here we have to do the scrutiny. That's what I stated. That suppose तीन तीन words same होते, like N C D होता, उसके बाद Q R W T होता, then I would have directly gone for the third word from O P Q. Okay? Yes or no? Sure or not? Then मेरा answer alpha. Got it? Sure. You have to understand the pattern. There is nothing like memorizing. Clear? Nahi bhai, ruk ja. Next. Knowledge based. Microphone se cheeze loud hoti hain. To microscope se magnify hoti hain. Simple. Knowledge based. Very good. Very, very good. Very good. Badi aaram se. Very good. Relax. Ice is related with coldness. So, earth is related with weight, jungle, gravitatism. ऐसा कुछ होता नहीं है. उसने कुछ भी लिख दिया मतलब. But लोगों को समझ में आ जाएगा कि हाँ gravity के बारे में बात हो रही है. Clear? So, clear? So, yes, as there is a property of ice, it is cold. So there is a property of earth that it has gravity. It attracts objects toward it. Clear? Very good. Agla. Physician saab jo hai wo treatment karte hain. To judge saab kya karenge? So. Wo judgment dete hain. Punishment can be a part of it. Can be. Okay, but देते हो judgment. Yes or no? Yes, sir. Okay, what is the meaning of the word fatigue? Because that is important over here. What is the meaning of the word fatigue? Tired. Yes, sir. So, sir, really exhausted. करने से थकावट होती है. तो उपवास करने से, fast करने से भूख लगती है. Right or not? So, everyone, very good. Clear? Sure? Good. If you आपको पता है, तो बहुत अच्छी बात है. नहीं पता है, तो options आपको बता देंगे. नहीं ग्रेजुएशन गाउन में होती है बेटा ओके इट्स नॉट कोट इट्स गाउन ठीक है ध्रुव बोल रहा है कैप व्हाई हाँ शाबाश तन्मय ने काम की बात की कि सर ये बता दो ये चीज होती क्या है ये सुनो Sir, it's some sort of attire means the dress code of that. That dress worn by the priest. Very good. Sure. So, आप लोगों ने देखा होगा चित्र में, फोटो वोटो में, है ना या movies में and all, right? कि जो father होते हैं, right or not?
वो अपने ऊपर एक ब्लैक कलर का सब बढ़िया अच्छा सुंदर सा कोट पूरा लंबा, राइट और नॉट? श्योर, मेरी ड्राइंग स्किल्स तो तुमको पता ही है. एक दिन मैंने बच्चों से बोला कि ये बुलेट है, ठीक, श्योर, सो यू हैव टू मैनेज विथ माई ड्राइंग स्किल्स, राइट. सो द थिंग, द वॉट वी कॉल इट एज द अटायर, द कपड़ा विच अ प्रीस्ट वेयर्स इज कॉल्ड कैसम. तो जो ग्रेजुएट होता है वो क्या पहनता है? वो गाउन पहन के ग्रेजुएट होता है. क्लियर? नॉट कैप, नॉट टाई, नॉट कोट. गॉट इट? दुनियादारी का नॉलेज, नॉलेज विल बी हेल्पिंग इन दिस. अंडरस्टूड? वेरी गुड. अभी क्या बोलता है? शेर जंगल में रहता है तो ऑटर बताइए. वेरी गुड. पानी में रहता है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, राइट. यस, सी अगेन द नॉलेज ऑफ दुनियादारी, राइट और नॉट? क्लियर? वेरी गुड. ऑटर इज व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट? सो आई विल रादर से, सो ऑटर दिखता कैसे बताऊं तुमको? नेवला होता है ना जो मंगूस, राइट? हाँ सर, जानते हैं. लगभग वैसा दिखता है, ओके, लगभग. बट इट कैन लिव, स्विम इन पानी एंड ऑल, राइट और नॉट? प्राइमरली ये कहाँ पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल, बहुत ठंडे पानी में, ठीक है, या बहुत ठंडे पानी में. नॉर्मल रिवर वाटर में, मतलब, चलो चलो, वेरी गुड, वेरी सर. ऑस्ट्रेलिया. वेरी गुड, चलो बढ़िया है. ये तो वापस आते हैं. नेक्स्ट क्या हो गया? कंट्री प्रेसिडेंट, स्टेट का गवर्नर होता है भैया. सी, अगर वो बोलता कंट्री इज पीएम, then state will go with CM. Yes or no? Yes sir. Yeah? Good. Sure, but abhi bol raha hai. Abhi mein chat mein kahin bhi kuch star nahi likhe. Right? Yes, yes bache, kuch you are saying something? Sir, beech mein kisi ne chat mein Charlie likha tha, uska matlab bata. Acha, alpha, bravo, Charlie and delta. A, B, C, D. Kyunki jab hum प्रोनाउंस करते हैं सिर्फ ए बी और सी और डी, प्राइमरली बी और डी में काफी कंफ्यूजन होता है दूर से सुनने में, तो इसलिए द बेटर वे ऑफ स्टेटिंग इट अल्फा, ब्रावो, चार्ली और डेल्टा. इसके अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है, ठीक है, लोग अपने अपने हिसाब से बोलते रहते हैं. फाइन, गुड. नेक्स्ट, सो इसका आंसर इज स्टेट इज गवर्नर. क्लियर? नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन सेंस. साउथ इज रिलेटेड विथ नॉर्थ वेस्ट, सो वेस्ट विल बी रिलेटेड विथ नॉर्थ ईस्ट. वेरी गुड. कुछ नहीं है, सिंपल नॉलेज है बेटा, है ना? क्लियर? हम लोगों के पास, वी हैव डन दिस. अगर ये साउथ है, उसका रिलेशन आप नॉर्थ वेस्ट से कर रहे हो, दैट इज 90+45. सो अगर ये वेस्ट है तो उसका रिलेशन भी होगा 90+45. North East. Very, very, very good. Sure. Badhiya. Next. Safe होता है तो secure होता है. Protect करने से क्या होता है? Conserve होता है, guard होता है, sure होता है, या lock होता है. Very good. Guard करना. Right or not? प्रिजर्व से आएगा कंजर्व, राइट? सो इसके आगे आई वो जस्ट सी, वी वाइल प्रैक्टिसिंग विल ट्राई टू रिलेट एज मेनी एज वी कैन, राइट और नॉट? सो वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, बढ़िया, आराम से. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल लैंग्वेज. Bravo, very good, very, very good, very good.
Sure or not? Yeah. How? मेरा दिमाग तो वही चला कि यार सेकंड लेटर जो है वो अलग अलग है सब जगह, ऐसा ना? तो मैंने कहा ठीक है, आर बनता है एस, ई बनता है एफ, तो एच बन जाएगा आई. क्लियर? वेरी 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 गुड. नेक्स्ट देखो भाई, कौन सा वर्ड है एंटीनो? कोई वर्ड होता है क्या? नाम होता है किसी का, है ना? आर्टिफिशियल लैंग्वेज. यस यस यस. ब्रावो 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 ब्रावो. सो क्या हो रहा है, नेशन को हम लिख रहे हैं, ए और एन को स्वैप कर दिया, टी और आई को वैसे ही रखा, ओ और एन को स्वैप कर दिया. तो आर वाई यहां हो जाएगा, एन जी ऐसे ही रहेगा, यू एच यहां हो जाएगा. कैसे हो? क्लियर एवरीवन? वेरी गुड वेरी वेरी गुड. आगे बढ़ते. लखनऊ है, पटना है, भोपाल है, जयपुर है, तो अगला कौन होगा? इंदौर नहीं होगा यार. लखनऊ, पटना, भोपाल एंड जयपुर, व्हाट आर दे? दे आर स्टेट कैपिटल्स. यस और नो? यस सर, कैपिटल ऑफ देयर रेस्पेक्टिव स्टेट. दुनियादारी. As far as I know, Indore is surely not the capital because Bhopal is the capital of Madhya Pradesh. Pune is not the capital because Mumbai is the capital of Maharashtra. Mysore is not the capital because Bangalore is the capital of Karnataka. Shimla is the capital of Himachal Pradesh. Am I right? Very good. कोई कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था बेटा, बोलो. Voice hindrances were there. Please speak up. Acha, alpha. Okay, fine. Next question. Oh, duniyadari ka knowledge. Pathology hoti hai, cardiology hoti hai, radiology bhi hoti hai, ophthalmology bhi hoti hai. Sare log bimar hai kya? बाकी तीन तो सब्जेक्ट है, हीमोटोलॉजी होती है. ये सुनो शो. यस सर. है ना? पैथोलॉजी इज लैब टेस्ट. ओके. कार्डियोलॉजी इज टेस्ट ऑफ आवर हार्ट एंड ऑल दैट, राइट? क्लियर शो. द प्रोजेक्ट द रिपोर्ट व्हिच इज जनरेटेड इज कॉल्ड रेडियोलॉजी सर. सोनोग्राफी नहीं, कार्डियोलॉजी से बेटा ईसीजी जनरेट. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ. ओके सर. गुड गुड. क्लियर? ईसीजी जनरल लैंग्वेज में सभी लोग ईसीजी ही बोलते हैं, कोई ऐसा कार्डियोलॉजी करवाने जा रहा नहीं बोलता. यस सर. राइट सर. हेमेटोलॉजी में क्या होता है बताओ? हीमोग्लोबिन. सर याद नहीं आ रहा. ब्लड स्टडी ऑफ ब्लड. हीमोग्लोबिन रिलेटेड होगा कुछ, राइट? Sure. Very, very, very good. Shabash. Sure. Next. Clutch होता है, brake होता है, horn होता है और steering होती है. Car में scooter, accident भी होता है. Right? सर पर वो गाड़ी का part नहीं होता. Right? So, answer is steering. Clear? Very good. Very, very good. नेक्स्ट. लाइक ऐसा क्वेश्चन मैं बना सकता हूं कि स्टीयरिंग कार में होती है तो हैंडल साइकिल में होगा, स्कूटर में. सर टू व्हीलर पे किसी में भी होगा सर. साइकिल, मोटरसाइकिल. वेरी गुड वेरी गुड. सर ऑटो आल्सो. वेरी गुड वेरी गुड. शाबाश. ठीक है, अब क्या हो गया? रूट होता है, ठीक है, स्टेम होता है, फाइन, ब्रांच भी होता है. फर्टिलाइजर की बात नहीं, लीफ मेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है. फर्टिलाइजर नहीं, ट्री नहीं, वुड नहीं. ये सुनो, राइट? यस. वेरी वेरी. सी दे विल हैव द टेस्टिंग ऑफ योर नॉलेज.
not very sophisticated. Okay, general words only they will ask. General word. Okay. बॉर्डर कंट्रीज की होती है, तो पेन की टोपी होती है, बुक के कवर होते हैं, हैंडल शेड होता है एंड फ्रेम पिक्चर. बहुत सुंदर, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा है. बहुत सुंदर क्वेश्चन. नेक्स्ट, रिवर जाके ओशियन में मिलती है तो बच्चे जाके स्कूल में नहीं मिलते हैं. राइट, एक ही है चार्ली. बहुत सारे छोटी छोटी गलियां जाकर एक बड़ी रोड से मिलती है. राइट और नॉट? सब सब बहुत सारे बुक भी तो लाइब्रेरी में होते हैं. हाँ, लेकिन सारी बुक्स लाइब्रेरी में मिलके एक किताब थोड़ी ना बन जाती बेटा. वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट करती है ना, वहां जाके डिसॉल्व हो जाना चाहिए. राइट? ओके सर. वेरी 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 गुड. बढ़िया सर. क्वेश्चन सेट से नेल जोड़ लग रही है. सो रिपीट, यू सेड क्वेश्चन व्हाट? सेट फॉर्म्स एन एल्गोरिथम. हाँ यस. ओके क्लियर. ये सारे अभी एनालॉजी के ही क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चे. ठीक है. एंड सी every question as you stated someone as na sir kya har question mein pattern same hoga? Nahi, har question mein alag pattern hoga. We the only objective for us is to analyze that pattern. Jaise yahan par the only difference was everything, even many child from different backgrounds go to a school also. Right or not? Clear? So but they do not become one. So it's like good. But agar likhta child goes to school and assemble, then answer would have been book goes to library and assemble. Yes or no? Clear? Good. What, why option B is not correct? Beta, see, why option B is not correct, understand. When many river goes to ocean, do the existence of rivers still remain post their... what we call it as, clear? Suppose they get miscible, they get dissolved into the, they get submerged into the ocean. Do they exist? Bata. No, right? In the same way, jab ek bacche school mein jaate, their individual existence in the school remains. Books library mein jaati hai, their individual existence in the library remains. Right or not? Clear? But जब एक गलियां जाकर मेन रोड से मिलती हैं, तो उस मेन रोड पर उनकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस नहीं होती. Right or not? ऐसे नहीं बोल सकते रोड का ये वाला पत्ता जो है वो बेटा गली नंबर चार से आता है. Clear? Fine. Got it? Very, 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 very. मजा आता है ऐसे डिस्कशन करने में. सर्कल में आर्क होती है. यस होती है भाई, मुझे पता है. तो नंबर काउंट मजा नहीं आया, परसेंटेज फ्रैक्शन मजा नहीं आया, स्लाइस पाई से निकालते हैं मजा आया, लाइन का सेगमेंट होता है मजा आया. अब थोड़ा सा जो है वी आर डिस्कसिंग ऑन द लाइंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी. अब बताओ चार्ली और डेल्टा इज गुड? डेल्टा. Why? Problem क्या है चार्ली में यार? Sir, because said a line कल का हो जाता है. किसी ने लिख के भेजा सर, बस sequence उल्टा है. अगर लिखता स्लाइस और पाई तो सही होता. Yes sir. पर उल्टा है. नहीं है सर, पहले टुकड़ा लिखना है फिर उसका बड़ा पार्ट लिखना है, which is correct in daily. सुंदर, very very सुंदर, very very. Got it, everyone. G, I got it. Very, 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 very good. Good. Next. हम थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं. अच्छा,
तो मिलीमीटर से स्केल नापेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं करते। हम लेंथ से ब्रेथ नापते हैं? ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते। सोलर एनर्जी से सन नापते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। लेकिन हम कार्डियोग्राफ से हार्ट का रेट नापते हैं, ये सच है, राइट और नॉट? गुड। नाइन इज टू एट है तो 16 × 17 भी तो हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? नहीं हो सकता, नहीं होगा। छोटा, इधर तो 15 होना चाहिए, अब 15 नहीं है, क्या करेंगे? सर हम ऐसा कर सकते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स वाला। यस सर, रिपीट द लाइन सर, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जैसे सर अंडर के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने और बाहर के दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट। सर रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में हमें ये सिखाया गया था। बहुत ज्यादा सुंदर, ये देखो ये दुनिया। ओके श्योर श्योर श्योर, वेरी गुड वेरी गुड, दुनियादारी का नॉलेज दीस गाइस आर अप्लाइंग। तो क्या होगा भाई, डेल्टा 9 × 9 = 18, 8 × 8 = 16। सो सर आप स्क्वायर्स बोल रहे हो, आप 8 × 8 = 16 बोल रहे हो। नहीं रुक जाओ ना, मेरे को पढ़ने तो दो। डेल्टा 18 कैसे? ट्वेंटी सेवन कैसे? वेरी गुड, ये यही सब तो सुनना है, मजा यही तो है। सर 8 × 2 = 16, 9 × 2 = 18। पर 2 का क्यूब सर, फिर 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब। अभी कोई सर फर्स्ट 3 स्क्वायर देन 2 स्क्वायर देन 4 स्क्वायर देन 3, यही सुनना है, यही ये हुई ना बात। अब आया लॉजिक, ये आया, आई वाज गोइंग टू मेंशन रोहित क्लास, राइट और नॉट? Apply your knowledge of number series is actually a question of number series, right? ये लिखा हुआ है 3 square, ये लिखा हुआ है 2 cube. तो अगर ये 4 square लिखा हुआ है, तो 1 cube, this should be 3 cube, which is 27. Very, very good. Understood everyone? Sir, 4 के बाद 3 क्यों आएगा? क्योंकि 3 के बाद 2 आया है. Okay. Excuse me, sir. Yeah, Luche. Sir, can't we apply the logic like 8 × 2 = 16 and 9 × 2 = 18? Because this is here and like this is here? No. Because, beta, it will happen in sequence A, B, and yeah, like A1, B1, so A2, B2. Okay. So. Clear? Body. Yes. Body. Very good. Very good. Very good. Chal, next. ये तो बन गया 80, है ना? Very good. Sure. 10 का square 100, उसमें से एक गया 99 आया. So 9 का square 81, उसमें से एक गया 80 आया. Right? No doubt. Very good. अभी देखो bulb जला है, बढ़िया. ये न्यूमेरिक आ रहे हैं सारे, 8 × 3 = 24, तो अब ये 3 से तो नहीं जाता, क्या करें? सर 8 × 4 = 32। नहीं यार, मजा नहीं आया। बट क्या मजा आया, ये 8 लिखा हुआ है तो ये 4 × 2 है, तो अगर ये 3 × 2 है तो यहाँ क्या लिखा होगा, 6, राइट? गॉट इट? वेरी 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 सो सो प्लीज एक्सप्लेन दिस वन अगेन। ओके डियर, सी सर हम लोग 8 क्यों नहीं लिख सकते?
लेकिन बेटा आपको कहीं से भी ये हिंट नहीं है ना कि इट हैज टू बी प्रोग्रेसिव. अंडरस्टूड? यस सर. यू आर सेइंग 8 इनटू 3 उसके बाद 8 इनटू 4 आना चाहिए, है ना? यस सर. है ना? लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि आपको एक प्रोग्रेसिवनेस की हिंट नहीं दी है. क्यों? क्योंकि यू आर अप्लाइंग योर लॉजिक ओवर हियर, नॉट अ पैटर्न. सो व्हाट यू आर सेइंग कि अच्छा देखो ये इससे कैसे रिलेटेड है. ओके, इज 4 इनटू 2 इज 8, सो 2 इनटू 3 विल बी 6. गॉट इट? यस सर. अंडरस्टूड? यस एग्जैक्टली बच्चे, यू विल हैव टू. कोइंसिडेंटली सी हो क्या रहा है, आई विल टेल यू वन मोर थिंग. कोइंसिडेंटली ना, आई एम नॉट लाइकिंग द ऑप्शंस मच. ओके, सो because this 8 is actually, see what happens is they do not give you what we call it as an option which will satisfy the relation. Like I'll tell you frankly, ye question pe aao, dekho yahan likha tha pehla 3 to the power 2, usse answer aaya 9, to mujhe dikhai diya. Next hai 2 to the power 3, usse aaya 8. To agar ye likha hua hai, राइट और नॉट, 4 टू द पावर 2, तो नेक्स्ट मैं 2 टू द पावर 4 लिख के फिर से 16 नहीं ले सकता, बताओ. यस सर. तो व्हाट दे डू इज एट वन टाइम दे विल नॉट गिव एन ऑप्शन व्हिच विल बी सेटिस्फाइड, अ सीरीज ऑफ डिफरेंट ऑप्शंस व्हिच कैन सेटिस्फाई बाय टू डिफरेंट लॉजिक्स. ओके, what a good question creator will do is they will give a decisive answer. Clear? Why? The reason is, see, here there is no pattern. You can create your, you have to actually create your own pattern. So what they do is that if the answer is 27 by 2-3 different logics, the answer will anyway come as 27. Clear? Sure. So I'm not much satisfied with the way they are giving the options, but it's fine. Anyway. Clear, guys? Understood? Sure. Very, very beautiful. Chalo, next. Eleven. Badhiya. Kyun? Kyunki agar 12 ka square ke baad 10 aata hai, to 13 ke square ke baad 11. Yes or no? Fine. Yes. Badhiya. Next. M into N is 13 into 14. Now direct relation. The position of M is 13 and N is 14. You know it. So position of 5 is, F is 6. And position of R is, yes or no? 18. Clear? No doubt? Very good. Very, very good. Very good. Shabash. Put out. No doubt. Am I correct? No. Very good. Why? Sir, it will be B. Yes, sir, it will be B. Yes, why? 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 Sir, 8 into 2 and then 8 sevens are 16 twos and 16 sevens. Achha, 8 into 2, then 8 into 7, then 8 into 4. So 8 into 9 hona chahiye na? 2 aur 5. Sir, it will be 16 into 2 and 16 into 7. Sir, the ratio is 7. So you are like 16 upon 56 equal to 32 upon x. So x equal to 2. Yes or no? Clear? 2 6 are 12, 2 5 is 10 over 11. Ye kar rahe ho? Yes. Sir,
वेरी गुड सर, इस क्वेश्चन में हमने ये वाला लॉजिक लगाया रेशियो वाला, तो जो पिछले क्वेश्चन थे उसमें हमने ऐसा क्यों नहीं किया था? इसमें बच्चे सर पिछले के पिछले जिसमें वो 8 का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे ना, 9 × 8 इज द 9 to 8 इज प्रोपोर्शनल वाला, ये वाला राइट सर? इसके पहले वाला सर, इसके बहुत पहले तो 4 का स्क्वायर करते हैं उसमें 3 जोड़ते हैं, तो 7 का स्क्वायर करते हैं 49 उसमें 3 जोड़ते हैं, तो वी गेट 52, वी हैव द आंसर. Yeah. Fine. Good. Next. Badhiya. 24 ko 16 bana diya. 24 ko 60 bana diya. To kisko 120 banaoge? 48 ko 48 to hai nahi. Ab kya kare? Nahi, sorry. Ulta likh diya maine. Sorry. को क्या बनाओगे? तो 300 बनाओगे. 24, 5, नो डाउट एवरीवन, बढ़िया. चलो टाइम इज अप गाइस, आई होप. ठीक है, अभी अपन लोग कल मिलेंगे, इसके आगे और क्वेश्चंस हैं वो भी करेंगे. क्लियर? एंड व्हाट वी कॉल इट एज. ठीक है, बहुत क्वेश्चन बच गए. ठीक है, and we'll also be doing the further proceeding. Now we'll move to no duniyadari kal. Ruchi, right? I have messaged you as well. Theek hai, Tuesday. Thank you, sir. Good question, good question. Thank you, sir. Thank you, sir. Sure. No, beta, because you have lengthy topics, I kept one. Okay, sure. You simply see, do not ज्यादा बिल्कुल दिमाग मेहनत वाला काम नहीं करना है अपने को. अपने को क्या करना है, जो वहां डीबीपी भी दिख जाए सॉल्व कर देना. अब वो 5 हो जाए मेरे. क्लियर? शो गुड, वेरी गुड. अच्छा चलो, बाय 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 बाय. बिल्कुल भाग जाओ, रुको मत, बिल्कुल गेट लॉस्ट. थैंक यू सर, बाय बाय बाय.